पटना में किसी तरह का आयोजन हो, गांधी मैदान की रैलियां हो या अन्य किसी पार्टी का आयोजन हो, उसमें माननीय सुनील सिंह का जो योगदान है दल में, पार्टी ने इसीलिए दल ने इतना बड़ा सम्मान दिया, उप सचेतक बनाया और बिहार राष्ट्रीय जनता दल के कोषाध्यक्ष भी थे और अभी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। कहीं ना कहीं ऐसे पद उन व्यक्ति को दिया जाता है जिनमें पार्टी का विश्वास हो। देखिए, माननीय सुनील कुमार सिंह एक विश्वमान के इलेक्टेड अध्यक्ष भी हैं और कई प्लेटफॉर्म पर वह काम करते हैं, सहकारिता विभाग। तो किसी भी माननीय मंत्री के साथ फोटो खिंचाना, मिलना, तो निश्चित रूप से ये कोई पाठ नहीं हो सकता है। कुमार मोदी जी बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं और बिहार में अब उनके पास कोई राजनीति का मुद्दा नहीं। राष्ट्रीय जनता दल आज A to Z की पार्टी है। सुनवाई और कार्रवाई की बात हो रही है तो निश्चित तौर पे महागठबंधन एकजुट है और जिसका झलक कल जब विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के साथ, माननीय उप मुख्यमंत्री जी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री तेज प्रताप जी एक साथ विधानसभा आना इस बात को पुख्ता करता है कि महागठबंधन बिहार में मजबूती के साथ एकजुट है। राजद के प्रदेश महासचिव व राजद विधायक रणविजय साहू हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। रणविजय साहू जी, महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है? देखिए, महागठबंधन की सरकार पूरी मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ जो संकल्प लिया है, जिस काम के लिए महागठबंधन सरकार का निर्माण हुआ था, उस काम को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अब बिहार में तो तर्कों पर बात हो रही है, काम की बात हो रही है, नौजवानों को नौकरी देने की बात हो रही है, स्वास्थ्य की बात हो रही है, सुनवाई और कार्रवाई की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पे महागठबंधन एकजुट है और जिसका झलक कल जब विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के साथ, माननीय उप मुख्यमंत्री जी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री तेज प्रताप जी एक साथ विधानसभा आना इस बात को पुख्ता करता है कि महागठबंधन बिहार में मजबूती के साथ एकजुट है। आपके MLC हैं सुनील सिंह, उनको लेकर लगातार कड़े लगाई जा रही है। नीतीश कुमार ने भी कल कह दिया है कि उनका BJP से कोई कांटेक्ट है, तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। देखिए, सुनील सिंह माननीय सदस्य विधान पार्षद एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो मैं अपने छात्र जीवन राष्ट्रीय जनता दल के छात्र विंग से मैं काम किया हूं और मैं लंबे समय से मैं उन्हें देखा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल और माननीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारों से पूर्णतः लैस रहे हैं। पटना में किसी तरह का आयोजन हो, गांधी मैदान की रैलियां हो या अन्य किसी पार्टी का आयोजन हो, उसमें माननीय सुनील सिंह का जो योगदान है दल में, पार्टी ने इसीलिए दल ने इतना बड़ा सम्मान दिया, उप सचेतक बनाया और बिहार राष्ट्रीय जनता दल के कोषाध्यक्ष भी थे और अभी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। कहीं ना कहीं ऐसे पद उन व्यक्ति को दिया जाता है जिनमें पार्टी का विश्वास हो, आस्था हो। तो हमें लगता है कि माननीय सुनील कुमार सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो माननीय राष्ट्रीय जनता दल परिवार से जुड़े हुए हैं और मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि तस्वीर खिंचवाना गलत है, क्या मैंने तो बस तस्वीर। देखिए, माननीय सुनील कुमार सिंह एक विश्वमान के इलेक्टेड अध्यक्ष भी हैं और कई प्लेटफॉर्म पर वह काम करते हैं, सहकारिता विभाग। तो किसी भी माननीय मंत्री के साथ फोटो खिंचाना, मिलना, तो निश्चित रूप से ये कोई पाठ नहीं हो सकता है। और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के प्रति कमिटेड हैं, संकल्पित हैं इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम समझते हैं कि सुनील सिंह का जो व्यक्तित्व है पूरा बिहार और देश जानता है। बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। वह राष्ट्रीय जनता दल की हार्ड कोर समर्थक है और वर्कर है और हमें लगता है आजीवन लालू प्रसाद यादव जी का जो यह विचारधारा उससे ओतपोत है। विपक्षी एकता को लेकर सुशील कुमार मोदी सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विपक्षी एकता होने से पहले ही खत्म हो। देखिए, आप माननीय सुशील कुमार मोदी जी बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं और बिहार में अब उनके पास कोई राजनीति का मुद्दा नहीं। राष्ट्रीय जनता दल आज A to Z की पार्टी है। निश्चित रूप से आज राष्ट्रीय जनता दल का जो संगठन है या जो पार्टी है आगे बढ़ रही, आप
खुद रणविजय साहू एक साधारण सा कार्यकर्ता होते हुए आज बिहार विधानसभा का सदस्य पार्टी ने बनाने का काम किया और बिहार के प्रधान महासचिव। तो हमें लगता है कि सुशील मोदी जी को अब कोई काम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनको नोटिस नहीं लेती है, बिहार की जनता कोई नोटिस नहीं लेती है, इसीलिए सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए लालू जी का नाम लेते हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव जिस तरीके से पहले होता था, लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल जब था उस वक्त बूथ लूटा जाता था। उन्होंने यह कहा है कि 6 महीना पहले चुनाव से कानपुर लालू प्रसाद यादव जाते थे हथियार लाने, हथियारों के बल पर बूथ लूटा। देखिए अब सुशील कुमार मोदी या भारतीय जनता पार्टी और NDA के नेता सब लोग अफवाह लोग हैं, अफवाह पार्टी है, उन्माद पार्टी है, हिंसा वाली पार्टी है, और हमें लगता है कि इन्हीं बातों में इन्हें विश्वास है। हमारा पार्टी सामाजिक न्याय धर्म निरपेक्ष की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, कमजोरों की पार्टी है, और लगातार जो जननायक कर्पूरी ठाकुर का विचारधारा है, हमारा लोहिया जी का विचारधारा, जयप्रकाश जी का विचारा है, और सचमुच कहिए बिहार के धरती पर अब अम्बेडकर जी के विचारों को अगर किसी व्यक्ति ने उतारने का काम किया है तो माननीय लालू प्रसाद यादव। आपको याद होगा मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने महादलित बस्ती में जाके किस प्रकार से उन गरीब लोगों को बाल धुलवाया, शैम्पू लगवाया, अधिकारियों से नए कपड़े मंगवाए और उनको कहा कि जाओ स्कूल की तरफ। उन्होंने नारा दिया, ए घूंगा चुनने वालों, ए कागज चुनने वाले, ए भैंस चलाने वाले, बकरी चलाने वाले, पढ़ना लिखा सीखो। और उन्होंने चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट लाया इस बिहार में, जिसको लेकर अमेरिका में US ने इनके इस काम को सराहना देने का काम किया। और वही सुशील कुमार मोदी, वही भाजपा के लोग, NDA के लोग, तो पूरी तरह से यह फेल हो चुके हैं। और कर्नाटक के महान जनता ने इनको आईना दिखाने का काम किया है और इस बिहार से भी 40-40 सीट महागठबंधन माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग जीतने का काम करेंगे। देखिए बिहार में भी 40-40 सीट महागठबंधन के द्वारा नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम जीतने का काम करेंगे। रणविजय साहू थे राजद विधायक है, वहीं राजद के प्रदेश महासचिव हैं। रणविजय साहू ने जमकर निशाना साधा है BJP पर, तो वहीं साफ कहना सुशील कुमार मोदी को लेकर उनको कोई नोटिस नहीं लेता, ना BJP नोटिस लेती है, ना बिहार की जनता नोटिस लेती है। जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, अफवाह मियां है वो, तो वहीं कुछ भी बयान वो देते रहते हैं। बता दें आपको कि विपक्ष एकजुट है और आने वाले दिनों में 24 में विपक्ष की सरकार बनेगी पूरे देश में और नरेंद्र मोदी का भाजपा का सफाया होगा। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे रणविजय साहू आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। सुनील सिंह को लेकर यह साफ कह दिया रणविजय साहू ने कि ऑल इज वेल है महागठबंधन में, कहीं ना कहीं वो तमाम कार्य में रहते हैं और तमाम कार्य करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।